हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सॉल्व एन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर जो है उसकी एन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू शीट्स हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मटीरियल जो है वो हम तीन शीट्स के फॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट जिंक सेकंड फास्फोरस, थर्ड सल्फ़र एंड फोर्थ ऑक्सीजन तो इसके अंदर फास्फोरस, सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ये क्या है नॉन मेटल्स हैं और हम क्या कर सकते हैं मेटल जो है उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सो आंसर विल बी जिंक तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा जिंक सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सेकेंड ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, थर्ड जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड फोर्थ सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल तो डियर स्टूडेंट्स मेटल्स जो है वो जनरली डक्टाइल्स होते हैं तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स आपको ब्लैंक्स जो है उनको फिल करना है फर्स्ट इज फॉसफोरस इज ए वेरी ब्लैंक स्पेस नॉन मेटल फॉस्फोरस जो है वो किस टाइप का नॉन मेटल है तो इसके अंदर आंसर जो रहेगा वो रहेगा रिएक्टिव फॉसफोरस जो है वो क्या है रिएक्टिव नॉन मेटल है सेकेंड मेटल्स आर ब्लैंक स्पेस कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड फिर यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्ट जो है ब्लैंक स्पेस उसमें क्या आएगा गुड आएगा एंड सेकेंड जो है उसमें क्या आएगा इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो हैं वो क्या है हीट और कंडक्टिविटी दोनों के ही अच्छे कंडक्टर होते हैं थर्ड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर आयरन जो है वो क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए हमने जो एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें आयरन नेल्स डाली थी तो उस आयरन ने क्या किया था कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था रिप्लेस कर दिया था इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर नेक्स्ट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस विच्स गैस हाइड्रोजन गैस मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करते हैं फोर्थ मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स फर्स्ट जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं जनरली इनकरेक्ट तो ये क्या आएगा फॉल्स बी सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल है यस सोडियम इज वेरी रिएक्टिव थर्ड कॉपर डिस्प्लेसिज जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर जो है वो क्या करता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस करता है फॉल्स दैट्स वाई जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कोपर जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर क्या है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये भी क्या है फॉल्स है नेक्स्ट कोल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स कॉल इट इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स जो है उनको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंगज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ कु कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमें बताना है तो फर्स्ट है अपीयरेंस तो मेटल्स जो हैं उनकी अपियरेंस क्या होती है शाइनी होती है और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं डल होते हैं सेकेंड अगर हम बात करें हार्डनेस की तो मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं वेरी हार्ड होते हैं नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या रहेंगे हार्ड रहेंगे या सॉफ्ट रहेंगे बट ये वेरी हार्ड नहीं होंगे मैलेबिलिटी तो मेटल्स के लिए क्या है मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स मेलेबिलिटी क्या है प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मेटीरियल को अगर बीट करें तो वो क्या है थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो मेटल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इन टू थिन शीट्स नॉन मेटल्स जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे डक्टिलिटी डक्टिलिटी मीन्स इनको क्या है थिन वायर्स में अगर हम कन्वर्ट कर पाए तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इंट वायर्स बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इंटू वायर्स मेटल्स जो हैं उनको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स उनकी फॉर्म कर सकते हैं बट नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या है वायर की फॉर्म में ड्रॉ नहीं होंगे हीट कंडक्शन अगर हम बात करें हीट कंडक्शन की तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स जो हैं वो क्या हैं हीट के गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं पुअर कंडक्टर हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए रहेगा मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर्स हैं नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं दोनों के ही पुअर कंडक्टर हैं नेक्स्ट गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स एल्यूमिनियम फॉइल जो हैं उनको हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं उसका रीज़न क्या है एल्यूमिनियम्स इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मीन्स ये बहुत कम रिएक्ट करता है सो इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स एंड डज़ नाट alter the taste इसलिए वो क्या है फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और उसके टेस्ट को चेंज नहीं करेंगे मोर ओवर बींग ए मेटल एल्यूमिनियम इज़ हाईली मैलेबल एंड कैन बी मेड इन टू वेरी थिन फॉइल्स विच आर परफेक्ट फॉर रैपिंग फूड इसके अलावा क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल है और उसको हम क्या कर सकते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो क्या है फूड रैपिंग के लिए परफेक्ट है सेकेंड इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसिज इमर्सन रोड्स जो हैं वो क्या है लिक्विड को हीट करने के लिए हम यूज करते हैं और उसका वो जो है किसके बने होते हैं मेटलिक सब्सटेंस के बने होते हैं मीन्स मेटल्स के बने होते हैं इसका रीजन क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इमरसन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज

डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है उसका रीजन क्या था कि जो लेस रिएक्टिव है एलिमेंट वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता है मोर रिएक्टिव जो है वो क्या कर सकता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है तो यहाँ कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन बट जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है देयर फोर कॉपर कैन नॉट बी डिसप्लेस जिंक फ्राम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इसलिए क्या है कॉपर जो है जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिसप्लेस नहीं कर सकता सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या है कैरोसिन में स्टोर होते हैं इसका रीजन क्या है कि वो क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स If kept in open, they readily react with oxygen in the atmosphere. The reaction is so quick and that sodium and potassium easily catch fire when exposed to air. तो ये क्या है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं अगर इनको ओपन रखेंगे तो ये क्या होंगे उसके साथ रिएक्ट करेंगे एयर के साथ और क्या करेंगे फायर को कैच कर लेंगे टू prevent एक्सीडेंटल फायर दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन इसलिए उनको क्या किया जाता है कैरोसिन में स्टोर किया जाता है कैन यू स्टोर पीकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन वाई पिकल जो है वो क्या है एक एसिडिक है एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं सो so, एसिडिक्स फूड स्टप्स लाइक लेमन पिकल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इसलिए क्या है लेमन पिकल्स जो है उनको हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेज गिवन इन कॉलम बी हमें क्या है दो कॉलम है जिनमें मटेरियल्स दिए हुए हैं और सेकेंड कॉलम जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है यूज़ दिया हुआ है हमें इनको क्या करना है मैच करना है फर्स्ट कॉलम ए जिसमें मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं और सेकंड जो है उसके अंदर क्या है यूजेस हैं तो फर्स्ट इसके अंदर गोल्ड है गोल्ड इज यूज फॉर ज्वेलरी आयरन इज यूज फॉर मशीनरी पार्ट्स एल्यूमिनियम रैपिंग फूड कार्बन कार्बन कहाँ पे यूज होता है फ्यूल में कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मर्क्य थर्मामीटर तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा गोल्ड ज्वेलरी आयरन मशीनरी एल्यूमिनियम रैपिंग फूड कार्बन फ्यूल कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड मर्क्यूरी थर्मोमीटर नेक्स्ट वट हैपन्स वैन और इसके अंदर क्या करना है राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्टिव रिएक्शन इन रिएक्शन जो है उनकी वर्ड इक्वेशंस हमें लिखनी है फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोअर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट अगर कॉपर प्लेट पे हम डायल्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो क्या होगा हेयर वी आर मिक्सिंग डाइल्यूट एसिड विद मेटल सिंस लेस रिएक्टिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए कॉपर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा दस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर नो रिएक्शन कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा सेकेंड आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन नेल्स जो है अगर उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो वो क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करेगा

एंड देयर इज ए रेड ब्राउन डी ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल्स और आयरन नेल्स जो है उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का डी आएगा किसका कॉपर का तो रिएक्शन क्या होगी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट तो आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाएगा आयरन सल्फेट और उसके साथ क्या हो जाएगा कॉपर सेपरेट हो जाएगा तो ये इसकी रिएक्शन आ गई एफ ई आयरन प्लस सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट ये क्या बनाएगा एफ ई एस ओ फोर फेरेस सल्फेट जिसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं प्लस सी यू को नेक्स्ट स्लोने टू के पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस एंड सेकेंड राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस बर्निंग चारकोल चारकोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन चारकोल इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉन मेटल वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद एयर इट फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर जब क्या होगा चारकोल बर्न होगा मीन्स नॉन मेटल बर्न होता है तो वो एयर के साथ रिएक्ट करता है एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है उसको फॉर्म करता है दस वैन कार्बन बर्नस इन एयर इट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाईऑक्साइड द नेचर ऑफ गैस कैन बी फाउंड बाई एडिंग वाटर टू द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इसकी नेचर को फाउंड करने के लिए हम क्या करेंगे जो गैस बनेगी उसके अंदर वाटर जो है उसको एड करेंगे एंड देन पुट सम ब्लू लिटमस सोल्यूशन इन दार और उसके अंदर क्या करेंगे ब्ल्यू लिटमस पेपर जो है उसको डिप करेंगे द ब्ल्यू लिटमस सोल्यूशन टर्न रेड ब्ल्यू लिटमस जो है वो क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा दिस मीन्स दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर जो क्या शो करता है कि ये जो गैस है ये क्या है नेचर में किस टाइप की है एसिडिक है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बर्निंग ऑफ चारकोल में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड C कार्बन प्लस ओ टू ऑक्सीजन और ये क्या फॉर्म करेगा सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड इक्वेशन एडिंग वाटर टू द गैस टू मेक द सॉल्यूशन अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम क्या कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ वाटर यह बनाएगा एच थ्री सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश नेक्स्ट डे वेन दे ब्रॉड द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देयर वॉज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट कैन यू सजेस्ट ए रीजन फॉर द लॉस ऑफ वेट तो इसके अंदर रीजन क्या है टू पॉलिस एन ऑर्नामेंट द गोल्ड स्मिथ डिप्स द गोल्ड ऑर्नामेंट इन एक्वारीजिया एक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोल्ड ऑर्नामेंट जो है उसको पॉलिस के लिए गोल्ड स्मिथ क्या करता है उसको एक्वेजिया सोल्यूशन के अंदर डालता है जो क्या है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है मिक्सचर होता है आफ्टर गेटिंग डिप्ट इन द एक्वारीजिया द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजोल्व इन द सॉल्यूशन एंड द शाइनी पार्ट अपियर्स जैसे ही हम उसको एक्वारीजिया में डिप करते हैं तो उसकी ऊपर की लेयर जो है वो क्या हो जाती है उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है और शाइनी पार्ट जो है वो क्या होगा अपीयर होगा ड्यू टू द डिजोल्विंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द ऑर्नामेंट इट्स वेट रिड्यूज तो इसके अंदर क्या होगा कुछ पार्ट डिज़ोल्व होगा तो ऑर्नामेंट जो है उसका वेट क्या हो जाएगा रिड्यूज हो जाएगा कम हो जाएगा थैंक्स Have a nice day, stay home, stay safe, take care.